तो जैसा कि आपको दिखाना चाहेंगे, आप देखिए। और यहाँ से हमारी ब्लॉगिंग शुरू होती है। तो हमने पहले सोचा था कि वहीं से ब्लॉग करेंगे जहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, बट ढलान इतनी सीधी थी जैसा कि आप देख सकते हैं। हमने लगता है कि 100 मीटर का रेंज पार किया हो मुश्किल से, और उसकी हाइट इतनी है तो आप देख के समझ सकते हैं। और प्लस सबसे बड़ी बात है कि पानी पड़ा हुआ है तो पैर बहुत स्लिप कर रहा है। और जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ कि कहाँ हमें एग्जैक्टली जाना है, वो ऊपर पे आप क्रीम कलर का वो मंदिर देख पा रहे होंगे, तो हमें वहाँ पहुँचना है। और रास्ता देख सकते हैं आप, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो पापा जैसे कि हमारे हाथ दिखा रहे थे तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्लिपी हो चुका है पानी पड़ने के कारण भी, तो हर तरह का कंडीशन। चढ़ाई जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही मुश्किल रास्ता है। जैसे कि हमारे पापा जी आगे जाके हाथ हिला रहे हैं। यहाँ ड्रोन अगर होता तो ड्रोन शॉट लेने के लिए कमाल की जगह होती। तो जैसा कि ये देखिए पूरा इलाका खाइए बड़ा। हम बहुत खुश हैं। आराम से मम्मी, रुको हमको आगे जाने दो, रुको आगे रहने दो, रुको पीछे रहने दो। काम है, मुझे खुद डर लग रहा है कि अगर मैं स्लिप हुआ तो उसको नहीं जाकर टकराऊंगा। मतलब कुछ लोग कीचड़ लग गया है। जुनू सा जीने में, जुनू है जुनू सा सीने में, एक जुनू एक दीवानगी हर तरफ हर तरफ बेखुदी 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 हर तरफ। अब स्टार्टिंग आया है, पिछले बार यहाँ तक आए थे हम लोग, तो यहाँ से सीढ़ी मिलेगा से। ये देखिए 250 BC का बना होगा ये पहाड़ है। पापा ऊपर से होते हैं तब इस पर चढ़ा जाएगा, क्योंकि पानी पड़ जाएगा तो ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये 250 BC का मैन मेड गुफा है, केव्स है। अरे ये अलग है, ये गुफा है अशोक अशोका को दान किया गया था। इसके अंदर बुद्धिज्म की प्रैक्टिस होती थी एक समय, वही 250 BC के अप्रॉक्स। और अब हमने डिसाइड किया है कि हम इसे वापसी में घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी क्लाइमेटिक थोड़ा सा अलग है और पानी पड़ रहा है। तो हमने डिसाइड किया है कि पहले हम पहाड़ पर चलने वाला काम करेंगे, जिसमें अगर पानी पड़ते भी रहे तो हम ज्यादा रिस्क ना उठाए। मम्मी मम्मी पानी का कुछ उपाय नहीं है, ये भर चुके हैं। अब पहाड़ पे खड़ी चढ़ाई होगी, मैं आपको आगे दिखाऊंगा एग्जैक्टली कहाँ पे खड़ी चढ़ाई। फिलहाल तो पानी फीचर मिल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वो सामने जो दिख रही है वो सीढ़ी है जहाँ से लोग आ रहे हैं। तो अब मुश्किल होने वाला है। पहले जब मैंने यहाँ आया था तो यहाँ सीढ़ियाँ दिखती थी दूर से, बट यहाँ पे अब इतने पेड़ पौधे हो गए हैं कि शायद नहीं दिख रही है। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में।
दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। अभी तक स्टार्ट तक नहीं हुआ है रास्ता, अब आपको दिखाऊंगा स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से बेसिकली ऊपर जाने की सीढ़ियाँ स्टार्ट होंगी। ये रहा, आसपास का भी इलाका बहुत ही शानदार है। गए ये पल जिंदगी का कि खुद गर्द सी। मुझे लगा नहीं था कि इतने लोग यहाँ पे दिखेंगे, बात कोविड की तो धज्जियाँ उड़ी हुई है। हमारी फैमिली भी कैसी है जिसके चेहरे में मास्क है, बसरते लटका ही तो, लेकिन है बाकी के तो कहीं दूर दूर। स्टेप्स आपको बता दें, टोटल यहाँ के हिस्ट्री के हिसाब से 272 सीढ़ियाँ हैं। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा। मम्मी का स्टेटमेंट आ चुका है, हवा के झोंकों के जैसे चढ़ पाएंगे तुम्हें। दरिया के देखा जाए तो पापा के अलावा कोई है नहीं। हर एक लम्हे से तुम मिलो भूले अपने, मेरे और मम्मी के ही। हर एक पल एक नया सवाल देखेंगे, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा। रंग रंज दे सुना तो सरा हमको है ये कहते हैं, क्या तुमको पता है ना मम्मी पूर्ण रूप से थक चुकी है, हमें स्टॉपेज देना पड़ा। पहला स्टॉपेज ज्यादा दूर नहीं, कुछ ही दूर पे स्टॉपेज ले चुका हूँ। बहुत ही ज्यादा खड़ी दिल का चढ़ाई है और यहाँ से आपको नज़ारा दिखाते हैं, बहुत ही कमाल का व्यू है। और जैसे कि सिक्का भी अपने धुन में ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे। हार चुकी है लेकिन हारी नहीं, चढ़ने की पूरी कोशिश है। चलो मम्मी कमान, चलो जय भोलेनाथ। दूर दूर लोग बाग मिलो दूर वादियां। बैठेंगे चढ़ नहीं पाएंगे।